जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया बैंकों से, सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था, वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया, कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ है, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन, 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 13 कंपनियां उन्हीं की थी, उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा मामला ये मनी स्विंडलिंग का बनता है, लेकिन ईडी भगवान जाने कहां है, समझ ही में नहीं आता किसकी तफ्तीश कर रही है, पता नहीं किस विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है।